हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नया दिन है, नई शुरुआत है और दोपहर का टाइम है। मैं फ्री हो चुकी हूँ यार। पता नहीं क्या है ना, सुबह सुबह मुझसे व्लॉगिंग नहीं होती है, कैमरा उठा के नाश्ता बनाना और ये सब कुछ, वो रूटीन मैं नहीं शूट कर पाती हूँ। कोशिश करूँगी कि अब करूँ कोई अपनी मॉर्निंग रूटीन पर भी व्लॉग बनाऊँ। बट फिलहाल अपडेट ये है कि नमाज वमाज़ पढ़ के फ्री हो गए हैं और अब मुझे आज दो तीन काम करने हैं। एक तो सबसे पहला काम जो एक हफ्ते से डिले हो रहा है वो ये है कि मैंने अपनी कबर्ड का सामान दूसरी नई वाली कबर्ड में शिफ्ट करना है। एक वो करना है, किचन का बहुत बुरा हाल है, किचन गंदा हो रहा है नाश्ते के बाद, सुबह से वो क्लीन नहीं हुआ था, वो सब देखना है। और कुछ खाने का सोचना है, कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्या बनाऊँ। लेट्स सी, कुछ जल्दी से क्विक बनाएंगे, बट फिलहाल चलते हैं। ओह यस, मैंने कपड़े भी वॉश के लिए डाले हुए थे, वो हो गए होंगे नमाज पढ़ने से पहले, तो वो भी पहले निकाल लेते हैं। मेरे घर में बालकनी है इसलिए मैंने बालकनी पे रोप वगैरह लगाई हुई है फुल देसी स्टाइल की, ताकि मैं बाहर कपड़े सुखा सकूं। लेकिन वो सिर्फ समर्स में ही हो पाया। विंटर्स में तो आप कपड़े बाहर सुखा ही नहीं सकते क्योंकि हर वक्त या तो बारिश हो रही है या ओस गिर रही है, तो कपड़े तो आपके सूखेंगे ही नहीं। इसलिए घर में ही आपको एयरर रखना पड़ता है और उसी पे कपड़े सुखाने पड़ते हैं। फिलहाल जब से मेरे पास ये डीह्यूमिडिफायर आया है तो बहुत फ़ायदा हो गया है। मैं कपड़े फैला के सुखाने के लिए जब रखती हूँ तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ और ये कपड़े मेरे एक दिन के अंदर ही सूख जाते हैं। वरना पहले घर के अंदर आप हीटिंग के पास कितना ही इसे रखो, कम से कम दो दिन तो लगते ही थे कपड़े सूखने पे, बट थैंकफुली अब एक दिन के अंदर मेरे कपड़े सूख जाते हैं। जिस भी रूम में मैं कपड़े सुखाने के लिए रखती हूँ वहाँ की मैं विंडो ज़रूर ओपन कर देती हूँ ताकि ड्राइनेस भी बहुत ज़्यादा ना हो डीह्यूमिडिफायर से और फ्रेश हवा भी आती रहे। और जब भी मैं विंडो ओपन करती हूँ ना, ख़ुद भी फ्रेश एयर ज़रूर लेती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे मैं कर रही थी अपनी पूरी कबर्ड खाली क्योंकि मुझे ये सब कुछ कपड़े ट्रांसफ़र करने थे अपनी जो न्यू कबर्ड ली है उसमें, और सब कुछ मैंने हैंग करने थे बेसिकली। तो मैं वही सब एक तरफ कर रही थी कि विंटर्स के कौन से हैं, समर्स के कौन से कपड़े हैं, अपने कोट्स जैकेट वो सब। वैसे मैंने पिछले एक हफ़्ते में जो जो कपड़े पहने थे वो मैंने दोबारा जब रखे तो मैंने न्यू कबर्ड में ही रख दिए थे, लेकिन वो दो तीन ही चीज़ें थी, बाकी सब कुछ मुझे अभी ही ट्रांसफ़र करना था। हमें यहाँ आए हुए एक साल हो गया और जब हम इस घर में आए थे तब हमने ये न्यू कबर्ड ली थी, पूरा फर्नीचर लिया था। तब तक तो हमें ज़रूरत नहीं थी, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता हस्बैंड के बहुत ज़्यादा कपड़े होते जा रहे थे और हैंगिंग का सबसे ज़्यादा मसला होता था, बाकी किसी स्पेस का नहीं। लेकिन कपड़े हैंग करने की जगह नहीं थी क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर विंटर्स ही रहती हैं, तो आपको विंटर वेयर बहुत ज़्यादा होता है। कुछ समर जैकेट्स होती हैं, कुछ रेन के हिसाब से जैकेट्स कोट्स होते हैं, कुछ फुलन आपके कपड़े होते हैं, तो बहुत मसला हो रहा था रखने का। और क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो डेफिनेटली उनको चीज़ें भी ज़्यादा चाहिए होती हैं, इसलिए जगह कम पड़ रही थी। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि एक कबर्ड पूरी मेरी बना देंगे हैंगिंग कबर्ड और एक कबर्ड हस्बैंड की होगी। बस उसी लिए मैं यहाँ पर सारे अपने कपड़े सही से सेट करके रख रही थी। अच्छा, अगर आप लोगों के पास कोई भी वाइट कलर की चीज़ हो, जैसे ये मेरा हुडी है और ये पुलन बियर का हुडी है तो मुझे बड़ा अजीज़ है, इसलिए मैंने इसको उल्टा करा। वैसे तो मैंने इसे तय करके अंदर रखा हुआ था लेकिन अब क्योंकि मुझे हैंग करना है तो मैंने इसको उल्टा करा और फिर हैंग किया ताकि अगर कोई हल्की फुल्की डस्ट भी लगे तो वो दूसरी साइड पर लगे। हैंगर्स हम लोग आइकिया से लेकर आए थे बहुत सारे, तो मैंने वही यूटिलाइज़ किए। मैंने अपने सारे देसी कपड़े भी हैंग करे, अपने सारे लॉन्ग ड्रेसेस भी हैंग करे और जितने भी कोट्स जैकेट्स अपर्स सब कुछ हैंग कर दिया था। बस सिर्फ जो टी शर्ट्स हैं वो और जो जीन्स हैं बस वही मैंने जो है वो छोड़ दी थी फोल्ड करके रखने के लिए, बाकी सब कुछ मैंने हैंग ही कर दिया है।
और फ्यूचर में भी मेरा यही प्लान है कि मैं सिर्फ अपना हैंगिंग वार्डरोब ही बनाऊंगी। हस्बैंड अपना ऑफिस का काम कर रहे थे और मैं कोशिश कर रही थी उन्हें बगैर डिस्टर्ब करे खामोशी से काम कर लूं। कबर्ड फाइनली हो गई है एंड ये आई नो अभी इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस और होंगी, बट फ़िलहाल मैंने इसको सब सेट करके रख दिया है और गुजारा हो जाएगा फ़िलहाल। बाकी आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगा तो चीज़ों को और अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे। फ़िलहाल हस्बैंड को लग रही है भूख क्योंकि उन्होंने सिर्फ नाश्ता किया हुआ था, और देखिए मेरी किचन की क्या हालत हो रही है। किचन को भी ठीक करना है लेकिन उससे पहले उनके लिए कुछ चाय पानी का बंदोबस्त करना है। हस्बैंड कर रहे थे अपने घर वालों से बात, यानी कि मेरे ससुराल में, तो हम बात करते करते ही काम भी कर रहे थे। मैंने कर लिए थे समोसे फ्राई और साथ में हस्बैंड को दी थी कॉफ़ी। उन्होंने कॉफ़ी के साथ समोसे एंजॉय करे और देखें कितने मज़े का फ्रॉट बना मेरी कॉफ़ी के ऊपर, बिल्कुल बाहर जैसा मज़ेदार। और इसके बाद मुझे तैयार भी होना है क्योंकि हम लोग जाएंगे एक अच्छी सी वॉक पे। इस बार का न्यू ईयर रेजोल्यूशन हमारा यही है कि हमने एक हेल्दी, एक्टिव और फिट लाइफ की तरफ अपने स्टेप्स लेने हैं, इसीलिए हम लोगों ने वॉक करना स्टार्ट कर दी है। वैसे तो ऑन एंड ऑफ चलता ही रहता है पूरा साल, लेकिन इस बार ट्राई करेंगे कि अपने जो गोल्स हैं वो अचीव करें। लेट्स सी ये जोश कब तक रहता है। आज सर्दी ज़्यादा थी इसलिए मैं देसी कपड़ों में नहीं आई जो मैंने घर पे पहने हुए थे, और प्रॉपरली अपने आप को पैक किया और फिर हम बाहर निकले। अच्छा लगा, घर से निकलते हुए थोड़ी सी सुस्ती होती है बट एक दफ़ा आप निकल जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो हमारे घर के पास पार्क है ना, बिल्कुल घर से थोड़ा सा ही वॉक करके आगे, ये बहुत अच्छा पार्क है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पर। हेलो हेलो, आ जाएगी तो आ जाए, मेरे साथ चलो, उससे तो टाइम छोड़ो। ओह शिट यार, दो दो इतने बड़े बड़े कुत्ते समीर। शिट यार, कैसी आवाज निकाल रही है। नेचर को एंजॉय करा, ठंडी ठंडी हवा ली, डॉग्स को खाना खिलाया, अच्छा सा टाइम स्पेंड करके और एक घंटे की वॉक करके हम वापस आ गए। सो द अपडेट इज के हमने मंगाया है आज जी डिप, नहीं जी हाँ डिप है, एक है गार्लिक एंड हर्ब सॉस। सो एक हमने मंगा लिया है ये पिज्ज़ा,
जो कि मेरे हस्बैंड को ट्राई करना था, और ये कोई नया हमने जो है वो दरियाफ्त किया है। क्या नाम था इसका समीर? मारियोस पिज़्ज़ा, और ये हलाल है। सो अभी हम ये इंजॉय करेंगे, यम्मी। और इसके अलावा मैंने अपने लिए मंगाया है अपना फेवरेट ऊडल्स, यानी कि चाइनीज़। सो मैं वो इंजॉय करूँगी। आई थिंक के हस्बैंड ने साथ में फ्राइज भी ऑर्डर किया। ये मेरे मेन मील है, और ये उसके साथ यम्मी से फ्राइज हैं। इतना ही होता है ना, इतना ही होता। सो हम लोग करेंगे पार्टी। ये जो कोरियन फ्राइज़ होते हैं ना, स्वीट एंड चिली, ये बहुत मज़े के होते हैं स्पाइसी स्वीट से। साथ में मेरा चाइनीज़ आ गया था, और हस्बैंड ने अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था जो कि डेफिनेटली बच गया था। और फिर हमने नेक्स्ट डे भी इसको एंजॉय किया, और बड़े मज़े का खाना था। बस आज का व्लॉग यहीं पर है। कुकिंग करनी थी, लेकिन जब बाहर निकले और मूड इतना अच्छा हो गया ना, तो फिर मेरा किचन में जाने का दिल नहीं कर रहा, और मैंने हस्बैंड से कहा चलें आज पार्टी कर लेते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा ही हमारी पार्टी चल रही है लास्ट 10-15 दिन से, लेकिन खैर कभी कभी भी चलता है। और चाइनीज ने आज मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया था, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं था जितना होता है। आज का व्लॉग बस यहीं तक था। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दिया करें, बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को तो आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज कर दें। अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।